चैप्टर। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका, ट्राई हेलो मीथेन आर कॉमनली कॉल्ड एज। अभी देखो जो ऑप्शन में लिख के दिया उसको मैं पहले समझाने का कोशिश करूंगा। विनाइल हालाइड, विनाइल हालाइड किसको बोलते हैं? CH2, CH बॉन्ड एक्स, दिस इज द विनाइल हैलाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। हेलो फॉर्म, अब जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था आइडो फॉर्म करके, अब CH3, अब हेलोजन की जगह पे अगर क्लोरीन आ जाएगा तो वो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, CHCl3। यस अगर उसी की जगह यस पे आयोडीन आ जाएगा तो वो हो जाएगा आइडो फॉर्म। आयोडोफॉर्म। तो इन शॉर्ट हेलो फॉर्म का फॉर्मूला होता है CHX3 अल्किलीडीन डाइहैलाइड। देखो एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल, तो जो विसिनल होता है इसको हम लोग ऐसे ये बोलते हैं अल्किलीन। क्या बोलते हैं? अल्किलीन, मतलब जो दो कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे इथिलीन, इथिलीन डायहैलाइड। वही जेमिनल के पास दो कार्बन है, दो कार्बन का जेमिनल तो उसका नाम हो जाएगा इथिलीडीन। सर रिपीट करूंगा। बता रहा हूँ, सी जैसे कि आपके पास दो कार्बन दिया गया है, सी बॉन्ड सी, और आपने क्या किया, आपके पास दो हेलोजन, तो दोनों हेलोजन को आपने क्या किया, एक ही कार्बन के ऊपर लगा दिया। जेमिनल है वो। हाँ तो ये जेमिनल है, ठीक है। तो जेमिनल वाले को हम लोग जो है जब भी नाम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? इथिलीडीन, दो कार्बन है इसके लिए इथिलीडीन, अदरवाइज ये अल्कलीडीन हो जाता है। विसिनल आमने सामने जब भी आपका अटैचमेंट रहेगा हेलोजन का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल। तो ट्राई हेलो मीथेन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज हेलोफॉर्म, और कॉल्ड एज हेलोफॉर्म। बात समझ में आई पहला क्वेश्चन? एवरी वन यस नाउ यस क्वेश्चन नंबर टू, प्रोपिलीडीन। अब ये प्रोपिलीडीन डाइब्रोमाइड एंड प्रोपिलीन, तो ये प्रोपिलीडीन जो बोला ना ये जेमिनल है, क्या है? जेमिनल। जेमिनल और ये विसिनल है। तो अभी हमको क्या करना है, जिस स्ट्रक्चर बताना है फिर उसका मैं बताऊंगा दोनों का क्या रिलेशन है। सो CH3, CH बॉन्ड CL, CL नहीं, BR रहेगा यहाँ पे, ब्रोमीन दिया उन लोगों ने, BR बॉन्ड BR, एंड CH3 CH BR बॉन्ड CH2 BR। तो अगर आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे ना तो जो पहला जो लेफ्ट साइड में है इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, डाइब्रोमो प्रोपेन, और जो राइट साइड में इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो आपको जो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है वो पोजीशन का ही डिफरेंस दिख रहा पोजीशन आइसोमर्स। है, तो ये जो है पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यस अच्छा अब इसके बाद जो आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में जो हमको देखना है वो आयुपैक नेम हमको वेरीफाई करना है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आयुपैक नेम फॉर डाइथाइल ब्रोमोमीथेन। अच्छा अब ये स्ट्रक्चर दिया है तो मैं पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसका, मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। मीथेन दिया है मतलब एक कार्बन है, ठीक है, और उसको क्या है इसने डाइथाइल मतलब उसने दो ये लगा दिया, इथाइल लगा दिया, और एक नंबर पे उसने पोजीशन उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सो करेक्ट आयुपैक नेम फॉर डाइथाइल ब्रोमो, जस्ट 1 मिनट, C2H5 डाइथाइल। ब्रोमो मीथेन, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ये, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब उसने बोल दिया दो इथाइल है तो एक इथाइल मैंने लेफ्ट में लगा दिया और एक इथाइल मैंने राइट में लगा दिया,
ठीक है। अब एक बीआर है, अब बीआर का उसने पोजीशन बताया नहीं है, तो इतना अंदाजा लग रहा है कि दो इथाइल है, तो इथाइल को तो बीआर है नहीं, तो जो बीआर लग रहा है वो किसको लग रहा है, बीच वाले का। ओके, तो अब ये स्ट्रक्चर ओपन कर दूंगा, तो स्ट्रक्चर को जब ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CH2 CH बॉन्ड BR बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो अब जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, सो द नेम विल बी लाइक दिस, 3 1 2 ब्रोमो3 पेंटेन। 4 5, तो 3 ब्रोमो पेंटेन जो कि आपको ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, बी में दिया है। ठीक है सर, नाम से स्ट्रक्चर जाने के लिए उल्टा जाने का क्या? अभी जैसे इसने जो स्ट्रक्चर दिया था ना, मतलब जब आपको नाम दिया है तो हमेशा उल्टे पीछे से स्टार्ट करो, रूट वर्ड क्या है वहां से स्टार्ट करने का, और बाकी जो यस है सब यस ब्रांच में डालने का। अभी इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। अच्छा अब नंबरिंग का यहाँ पे देखो सवाल उठता है, कोई बच्चा अगर नंबरिंग राइट साइड से किया, 1 2 3 4 5, तो अगर आपने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया और आप उसकी नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे एक बीआर है और यहाँ पे एक बीआर है, तो अब इसका दो तरह से नंबरिंग किया जा सकता है, 1 2 3 4 5, एक तो रेड वाला नंबरिंग कंसिडर किया जाएगा और एक ब्लैक वाला, ब्लैक वाला 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा अगर आप लेफ्ट से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, राइट से जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो आपको ब्रांच कौन कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, ब्रांच का पोजीशन बताओ, 3 4 5 3 4 एंड 5, बराबर है। यस अगर कोई बच्चा जो है लेफ्ट साइड से आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 2 3 1 2 3 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और 3 पे, तो एक होता है लोकेंट रूल। अब लोकेंट रूल ये बोलता है कि जो आपको ब्रांच मिल रही है ना वो लोवेस्ट नंबर पे मिलना चाहिए, ठीक है, वो करेक्ट होता है। तो लोवेस्ट नंबर वाला क्या मिल रहा है, 1 2 3 वाला, वन तो टू हम लोग, थ्री वन टू थ्री लेफ्ट से राइट तक। हाँ, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है और 3 नंबर पे ब्रोमीन है और 1 नंबर पे फिनाइल है, सो 2,3 डाई ब्रोमो फिनाइल पेंटेन, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकंड बी 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 बी। यस, सभी को समझ यस में आई ये यस बात। यस ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, पोलैरिटी। देखो पोलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका सामने वाले के साथ में क्या होता है, तो बोलते ना इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है ना वो ज्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास कार्बन दिया है, अब कार्बन के सामने आपने अगर लगा दिया क्लोरीन, तो आपको पता है हेलोजेंस के अंदर सबसे तगड़ा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरिन। बराबर है। यस अब यस फ्लोरीन के बाद जिसका नंबर लगता है वो क्लोरीन है, फ्लोरिन फ्लोरिन। क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ में जब बॉन्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसकी यस वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी पोलैरिटी, यस देयर विल बी पोलैरिटी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मिथाइल क्लोराइड भी पोलार है, मिथाइल ब्रोमाइड भी पोलार है, हाँ सही बात है, मिथाइल आयोडाइड भी पोलार है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये यह दूसरा बन जाएगा, सर ज्यादा पोलार कौन सा है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, सही बात है। यस यस सर, पक्का सभी को समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव अब इधर देखो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, क्या होता है 2.5, ठीक है, कार्बन इज 2.5। अब जो आपके पास चार एलिमेंट है ना वो सबसे तगड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उसको याद रखने का तरीका है FONCl, फोन कॉल। फ्लोरीन का यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है
और क्लोरीन का लगभग 2.8 होता है। अब कार्बन का यहाँ पे 2.5 है और क्लोरीन का कितना है? 2.8 है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.3 के आसपास, जो कि सबसे ज्यादा होता है ये तीनों का। अगर कंपेयर करो, अगर ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के करीब ही रहता है, क्योंकि क्लोरीन का अगर 2.8 है ना तो उसका तो 2.6 होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट कार्बन के आसपास ही रहेगा और आयोडीन का और कम हो जाता है। तो जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा आपका इसी में आता है, तो उसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज्यादा रहेगा वो उसकी पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसके जैसा डिस्कस कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इल्ड्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो एल्केन ऑन क्लोरिनेशन, मतलब आपके पास चार कंपाउंड दिया है, आइसोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, एन ब्यूटेन एंड द प्रोपेन। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन करने पे क्लोरो एल्केन। ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल। अब ये समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए, यू गॉट अ नियोपेंटेन, आपके पास क्या है? नियोपेंटेन है। अब जो नियोपेंटेन है ना, इसके पास टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। बहुत बढ़िया। अब ये 5 कार्बन में से आप कौन सा कार्बन को रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट करा सकते हो? ये जो बाहर के चार उसी को करा सकते हो? यस बराबर। बिकॉज जो बीच वाला कार्बन है वो तो चारों साइड से घिरा हुआ है, तो ये मिथाइल को, ये मिथाइल को, ये मिथाइल को और ये मिथाइल को आप बॉन्डिंग के अंदर लेके जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या होता है कि जो चारों मिथाइल है वो इक्विवेलेंट है। बस समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपने एक नंबर वाले मिथाइल को इन्वॉल्व किया, दो नंबर वाले को दूसरी बार इन्वॉल्व किया, तीन नंबर वाले को तीसरी बार इन्वॉल्व किया, चार नंबर वाले को चौथी बार इन्वॉल्व किया, तो आपको ऐसा दिखेगा एक ही प्रोडक्ट आएगा। ऑल आर द सेम प्रोडक्ट। तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है बिकॉज देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन। एवरीवन इज गेटिंग दिस कांसेप्ट? यस यस। तो अगर आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करोगे ना तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। जो ऑप्शन में देखना है कि कितने टाइप्स कार्बन है, तो जो पहला एग्जांपल है आइसोब्यूटेन, तो बच्चे को स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। आइसोब्यूटेन मतलब CH3CH3CH3। ये पहला एग्जांपल है ए। अभी मैं पूछूंगा तो मेरे को बताना कितने टाइप्स के कार्बन है। बी के अंदर आ जाओ, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। सी के अंदर आ जाइए, एन ब्यूटेन है, दैट इज CH3CH2CH2CH3 एंड डी में क्या है? प्रोपेन है, CH3CH2। अब मेरे को ये बताइए, आपने मोनोक्लोरिनेशन किया, एक ही क्लोरीन लगाया, तो एक ही टाइप का ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर आप पहले वाले की बात करते हो, ए वाले का, तो ए में कितने टाइप के कार्बन दिख रहे हैं आपको? CH3 एंड CH। कितना टाइप्स है? एक टाइप का कार्बन है, दो टाइप का कार्बन है, टू टाइप्स। बहुत बढ़िया। ये जो बाहर वाले मिथाइल हैं वो सब एक जैसे हैं, क्योंकि वो लोग कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पे, और ये बीच वाला एक कार्बन, तो यहाँ पे दो टाइप्स के, टू टाइप। अच्छा, अभी जरा मैं सी पे आ जाता हूँ। सी वाले पे कितना टाइप ऑफ कार्बन है? टू टाइप। वेरी गुड। तो आप अगर बीच में से इसको कट मारेंगे तो राइट एंड लेफ्ट सेम हो जाता है। ये जो CH2 है, ये CH2 बराबर हो जाएगा राइट लेफ्ट का, ये मिथाइल और ये मिथाइल बराबर हो जाएगा। सो टू टाइप्स। एंड इसके पास कितना टाइप है? टू टाइप। मतलब ए वाला, सी वाला और डी वाला जो है वो दो तरह का मोनोक्लोरिनेशन करके दो प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं बी वाले की। तो बी वाला जो है ना, अब आप इस कार्बन की बात करो या इस कार्बन की बात करो या इस कार्बन की बात करो, सबके सब एक जैसे ही है। Yes. तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी, ठीक है।
अभी आपको टाइप ऑफ कार्बन पहचानने आता है? यस सर। हाँ सर, पहले वाले में फर्स्ट वाला समझ गए बेटा, सी सी ऑप्शन वाला नहीं। अभी देखो, तुम्हारे पास ये जो कंपाउंड दिया गया था, अगर आप इसको कट करते हो दो हिस्से में, तो कंपाउंड क्या हो जाता है? दोनों साइड बराबर कट जाता है। यस यस। इसका मतलब कंपाउंड इज व्हाट? सिमेट्रिकल। कंपाउंड इज व्हाट? सिमेट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वही राइट साइड वाला पोर्शन, तो एक पोर्शन को तुम भूल जाओ, ठीक है? अब जो कार्बन आ रहा है, एक CH2 है और एक CH3 है, तो मतलब यहाँ पे दो प्रकार के कार्बन मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे दो बार मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है, एक बार 1-chloro-propane मिलेगा, सॉरी ब्यूटेन मिलेगा, और दूसरी बार 2-chloro-butane मिलेगा। यस यस, समझा समझा। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है इसके एग्जाम में, नीट में होती है, और एम्स का एग्जाम हुआ करता था उसमें, ठीक है? जेई और सीईटी में तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एसर्शन और रीजन वाले। तो जरा इसको समझते हैं। एसर्शन हमको दिया है कि हैलोजिनेशन ऑफ एलाइलिक एल्कीन एट हाई टेम्परेचर गिव्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है? अभी एलाइलिक एल्कीन मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एलाइल, और इधर मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये इतने वाले कार्बन को आप क्या बोलोगे? मतलब इतना कार्बन आपको दिखेगा ना, दिस इज द एलाइल, दिस इज द एलाइल, ठीक है? अब ये जो है सब्स्टिट्यूशन करने पे, ओके, दिस गिव्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो रीजन पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर आर रिवर्सिबल। अच्छा, अब इसके पीछे का जो एसर्शन है, रीजन बोथ आर ट्रू, और बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। अच्छा, तो अभी इसमें जो है हमको देखना है, जस्ट लेट मी सी द ऑप्शन, एक मिनट रुकिए। नहीं, एसर्शन रीजन वाले ना मैं सारे क्वेश्चन एक साथ एंड में कवर करूंगा, अब इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 को होल्ड करके रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप लोग। सी, अब ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इस तरह का क्वेश्चन मैं जब रेगुलर लेक्चर्स ले रहा था तो डिस्कस किया था। तो जो कंपाउंड पहले दिया है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड जो दिया है वो क्या है भाई, कोई बता सकता है? वो एल्केन है कि एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है। एल्कीन। एल्कीन, बहुत बढ़िया। अभी उस एल्कीन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आप किस चीज का एडिशन कर रहे हैं? HBr। हाँ, मतलब दिमाग में कोई रिएक्शन जा रहा है आपके? ब्रोमिनेशन। ओके ओके, और सोचिए। मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा। बहुत बढ़िया। अब मार्कोनिकोफ रूल बच्चा फॉलो करके यहाँ पे काम कर लेगा, लेकिन वो हो जाएगा कंफ्यूज। पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट आएगा। फैंटास्टिक। क्यों भाई, वहाँ पे क्यों आएगा? 3 डिग्री बाद में बेंजालिक आता है, बाद में इधर राइट साइड आया तो उधर सेकेंडरी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो है, जब आप HBr इसके ऊपर ऐड करोगे तो आपको रूल तो पता ही है, मार्कोनिकोफ रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चा देखेगा यहाँ पे तो दोनों साइड के पास एक एक ही हाइड्रोजन है, तो रूल तो यहाँ लग नहीं रहा है। तो अब बच्चा बोलेगा यार तुक्का मार दो, तुक्का मारेगा तो उसको ऐसा ऑप्शन में दोनों दिख रहा है, तो किसको जज करेगा वो? तो अब जिसको प्रिंसिपल मालूम है बोलेगा नेगेटिव पार्ट भाई लेस वाले के पास नहीं जाता, नेगेटिव पार्ट उस कार्बोकैटायन के पास जाएगा जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो आप अगर इसको नंबर 1 करते हो और नंबर 2 करते हो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अगर कार्बन नंबर 1 के पास आप पॉजिटिव चार्ज लगा के इमेजिन करो, तो ये बनता है आपका कौन सा कार्बोकैटायन? कौन सा कार्बोकैटायन है ये बताइएगा कोई? सेकेंडरी। नहीं, सेकेंडरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है बेंजाइलिक कार्बो। बेंजाइलिक कार्बो, ठीक है? अब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होता है वो बहुत
ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपको दिखेगा, अब ये बी आर माइनस उसके ऊपर अटैक कर देगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा ये वाला C6H5CHBr बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सबको बात समझ में आई? यस 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 सर। बोलिए। अगर एक ऑप्शन में बेंजालिक और एलालिक दोनों रहेगा, दूसरे में सिर्फ एलालिक रहेगा, तीसरे में सिर्फ बेंजालिक रहेगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा रहेगा? बेंजालिक देखो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी है, टर्शियरी के बाद बेंजाइल है, फिर एलाइल है, समझे तू? सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइल और मतलब अभी बेंजीन है, बेंजीन में एक कार्बन पे बेंजाइल भी है, वो एलाइल भी है, हाँ, दूसरे में सिर्फ बेंजाइल है, तीसरे में सिर्फ एलाइल है। हाँ एक मिनट रुक जा। हाँ तो बेंजाइल और एलाइल जो सिस्टम रहेगा ना उसमें ये तुम्हारा बोलने का होता ये ना ऐसा yes, कुछ sir, yes. ये बेंजाइल हो गया, ठीक है। अभी इसको बेंजाइल भी और एज अ एलाइल भी तुमको इमेजिन करवाना है, तो मान के चलो ऐसा कुछ बराबर yes. हाँ तो अभी तुमको इसके पहला ये इमेजिन करना पड़ेगा, पहली बार तो ऐसा सिस्टम तुमको मिलेगा नहीं ना। पॉजिटिव चार्ज किधर आता है? पॉजिटिव चार्ज आपको इधर पे डबल बॉन्ड पहला रखना रहेगा ना, ब्रेक होगा yes. हाँ तो डबल बॉन्ड इधर पे भी, डबल बॉन्ड इधर पे भी, तो मतलब ये सिस्टम जो है ना ये अपने को है नहीं, इसको डाइन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अभी बच्चा बोलेगा यार मैं HBr का एडिशन किसके अंदर करूँ? अभी इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो HBr का एडिशन वो बोलेगा 1, 2, 3, 4 कौन से कार्बन पे करूँ? तो उसको समझ में आता है यार कार्बन नंबर जो 1 है ना वो बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है, हाँ। एट द सेम टाइम वो एलाइलिक भी बनता है ना, एलाइलिक कैसे बनता है? एलाइलिक के लिए उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही ना, बेंजीन का ये वाला yes. तो है ही ना yes. 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 तो जो बेंजाइलिक वाला सिस्टम होता है ना वो एलाइलिक को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यस सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, ये भी आपका इसी रूल के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे हमको जो फॉलो करना है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉलो करना है। अब आपके पास जो दिया है वो दिया है साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सीन के ऊपर आपने ऐड कर दिया HI। नाउ HI जो है वो एक तरह से क्या है आपका? एसिड है। क्या है? एसिड। प्रोटॉन देगा। हाँ अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो पहली बार तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ कार्बोकैटायन जो आप, मैं इधर नंबरिंग करता हूँ 1 और 2 करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा सुटेबल है? फैंटास्टिक। तो हम लोग इधर पे बनाएंगे CH3 और पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और I माइनस तुम्हारा जो है उधर पे अटैक मार देगा, प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, तो जो कि अपने को ऑप्शन किस में दिया है? डी। हाँ डी में दिया। सबको समझ में आ रहा है? ये सब फंडामेंटल है, इसको रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। इन द रिएक्शन विद द HCl एन एल्किन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिक ऑफ रूल टू गिव द प्रोडक्ट 1-chloro-1-methyl-cyclohexane द पॉसिबल एल्किन। मतलब इसने प्रोडक्ट दिया है, अब वो पूछ रहा है कि मैंने HCl जिसके अंदर ऐड किया वो एल्किन का नाम बताओ, तो मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पर निकालेगा। हमें पीछे से स्टार्ट करेगा, साइक्लोहेक्सेन है, क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब एक नंबर पे मिथाइल है और एक नंबर पे क्लोरीन है। अच्छा अभी जो आपने ये किया ना रिएक्शन ऊपर वाला, ये वैसा ही है yes. खाली इधर पे आयोडीन था और इधर पे ये क्लोरीन है, सेम है। हाँ तो कौन सा पॉसिबल बन सकता है यहाँ पे? बी।
बी आएगा, बी बी। अगर आपने बी जज किया ना तो आप सही हो, लेकिन आपका ध्यान ए पे नहीं गया। ए वाला भी वही काम करेगा, जो ए वाला भी वही प्रोडक्ट देगा जो बी वाला देगा। तो बोलने का मतलब बोथ ए एंड बी राइट ऑप्शन है इधर। सर फिर से क्या सर, ए वाला समझाओ ना फिर से। अभी इधर देखो, जैसे तुम दोनों में बता दो, ध्यान से देखिए। अब आप इस पे HCl ऐड करो और प्रोडक्ट आपको मालूम है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना। यस, तो Cl इसके पास जाएगा और ऊपर वाले के पास H जाएगा, तो क्या हो गया प्रोडक्ट? यही हुआ ना प्रोडक्ट, Cl एंड CH3। यस, बराबर। आपको वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है ए वाला भी देगा और बी वाला भी देगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर, यस सर। तो आपने कभी कभी घाई में, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था बट ऑप्शन ए भी करेक्ट है, तो मिला जुला के ऑप्शन सी दोनों का कॉम्बिनेशन वो लोग ने दिया है तो वो ज्यादा करेक्ट है। नाउ पिक अप अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो हमको देखना है। प्रोपीन अंडरगो क्लोरीनेशन विद सीएल टू वन। अच्छा अभी ये देखो, ये वाला रिएक्शन को मैं इधर लिखता हूँ, प्रोपीन मतलब सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, दैट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखो ये जो क्लोरीन है ना, ये इधर जाएगा और ये दोनों के पास ऐड हो जाएगा। एक सीएल इसको चिपकाएगा, एक सीएल इसको चिपकाएगा और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा 1.2 डाइक्लोरोप्रोपेन सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एल सी एच। सो ये हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज 1.2 डाइक्लोरोप्रोपेन, जो कि हमको ऐसा कुछ दिया नहीं उसने, उसने बोला कि हमको एन प्रोपाइल क्लोराइड मिलता, तो ये गलत है। Isobutene undergo chlorination with the chlorine in the presence of UV light to give 1-chloro-2-methyl-propane. अभी देखो isobutene का स्ट्रक्चर ये होता है CH2 double bond C CH3 bond CH3। अगर आपने इसके अंदर क्लोरीनेशन किया, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोन, तो इसके पास देखो क्लोरीन के पास ये मिथाइल जो है, इसको रेड से दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला मिथाइल और ऊपर वाला मिथाइल जो है ना, दोनों सेम है। दोनों मिथाइल क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर दूरी पे ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इस कार्बन से, ये कार्बन से वो इक्वल दूरी पे, इसका मतलब ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है। तो आपको ये पॉसिबल प्रोडक्ट दे सकता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एल बॉन्ड सी एच थ्री, एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ये डबल बॉन्ड है ना, ये जाने वाला नहीं है, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि हम लोग यूवी लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में नहीं करता ना, जैसे ऊपर का कंडीशन था ना, सीसीएल फोर में लेता इधर पे एच न्यू का जगह पे, अगर मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेता तो मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिलता सी एच टू सी एल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एल, ये हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाता। yes. लेकिन ऐसा उसने दिया नहीं है, उसने हमको दिया है एच न्यू, तो एच न्यू के हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट मिलता, तो ये भी रॉन्ग है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सर वो प्रोडक्ट नहीं समझा सर। ये प्रोडक्ट देखो, अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला, ये कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे, कौन सा है प्राइमरी कार्बन? हाँ ठीक है, प्राइमरी के साथ साथ में और क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे, हाँ बहुत फैंटास्टिक, इट इज अलाइलिक आल्सो। तो अलाइलिक कार्बन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसके लिए तो मैंने अलाइलिक पे लगाया ना, मैंने और किधर नहीं लगाया ना, मैंने अलाइलिक कार्बन पे ही लगाया, बिकॉज ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये अलाइलिक कार्बन है और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा वहां पे सीएल को लेके जाएगा, तो उसके हिसाब से तो प्रोडक्ट ये वाला मिल रहा है। और इसका नाम तो कुछ और ही है, इसका नाम हो जाएगा 1-2-3 3-chloro-2-methyl-propene,
जो कि अपने को दिया ऐसा क्या है, बस दिया नहीं उसने, इसने प्रोटीन है तो पॉसिबल ही नहीं है, डबल बॉन्ड है तो प्रोटीन रहेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब सी पे आ जाओ, 2-methyl-but-1-in react with the HCl to give 2-chloro-methyl-butane। अब देखो इसको, इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ मैं, ब्यूटीन दिया है 1, 2, 3, 4, एक और डबल बॉन्ड है, डबल दोनों मिथाइल है, मिथाइल, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन चिपका दो ना। अभी मैंने इसके अंदर क्या ऐड करना है, नाउ आई विल ऐड हियर HCl, बराबर। जब HCl ऐड गए तो ये हॉलो का मार्कोनिकोफ नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, 1, 2, 3, 4 किसके पास जाएगा बताओ, कार्बन नंबर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, अभी दिखा नहीं, दिख रहा है अभी, दिख रहा है अभी, दिखा सर। हाँ तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड कार्बन अंदर पे आपको, हाँ बहुत बढ़िया, तो जब सेकंड के पास जाएगा तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 CL bond CH3 bond CH2 bond CH3। So can you tell me what is the name of this compound? 2-chloro-2-methyl-butane. Correct. हाँ, जो options में दिए, जो है वो बराबर correct है. Yes. Yes. चलो बहुत बढ़िया, अब हम क्वेश्चन 12 पे देंगे। Now we'll see the question number 12 first. तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रोल कर लू, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये भी कुछ HBr हमने ऐड किया है साइक्लोहेक्सीन के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज योर साइक्लोहेक्सीन एंड इन द साइक्लोहेक्सीन हमारे को दो रिएजेंट दिए, दो रिएजेंट हम लोग इसमें ऐड कर रहे अलग अलग टाइम पे। एक बार आपने ऐड किया ब्रोमीन और एक बार आपने ऐड किया HBr, तो जब आप ब्रोमीन ऐड करेंगे ना तो ये क्या करेगा मतलब दोनों को एक एक Br चिपका देगा, जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है ना दोनों को एक एक Br लग जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा वो इसने पूछा है x और y, दिस इज Br2, सो दिस हैज टू बी लाइक दिस Br बॉन्ड Br, ठीक है। आफ्टर दैट जो HBr ऐड करोगे तो HBr का ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है सिमेट्रिकल एल्कीन है, ऊपर नीचे का हिस्सा सेम है, और इसमें ऐड किया तो इसमें कुछ ऐसा डायरेक्टली आप किधर पे भी लगा दो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला कंपाउंड 1-bromocyclohexane एंड 1,2-dibromocyclohexane, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया, ये सेकेंड बी, बी ठीक है, सो विच इज ऑप्शन नंबर बी। Now, sir, question symmetrical में किधर भी जाएगा ना वो? हाँ, symmetrical में problem नहीं है। Now, question number 30, क्या बोल रहे हो? Symmetric कैसे है sir? फिर से बोलो। sir, मेरे को second में HBr वाला नहीं समझा। HBr में कैसा है? तुम Br minus किसके पास भी लेके जाओ ना, दोनों के पास तो hydrogen same ही है। Negative part goes to that carbon whichever less number of hydrogen, तो ये molecule symmetrical है ना, तो symmetrical होने का मतलब दोनों के पास same चीज है, तो तुम किसको भी लगा दो Br minus, problem नहीं है। Yes sir. Okay sir, समझा। Question number 13. Among the following, choose the compound whose carbocation shows the maximum reactivity towards the halogen acid. अब ये halogen acid का मतलब HCl, HBr, something like that, ठीक है? Halogen acids. तो अगर मान लीजिए मैंने HCl ले लिया और HCl का मैंने रिएक्शन करवाना है ये चारों के साथ में,
तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा बंदा जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा HCl को लेके, ठीक है? तो ये वही लॉजिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है? देखो अब मेरे को बताओ HCl क्या है? एसिड है, एसिड है, कार्बोकैटायन बनाएगा। हाँ, तो जहां पे भी आपको OH दिख रहा है ना, हर जगह का OH, तो हर जगह का OH निकाल दो। तो पहले वाले में अपने को जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो यही मिलेगा, CH3CH2+, बराबर है? यस यस। अब बी वाले का बात करूंगा तो CH3 सेकेंडरी प्लस बी ऑप्शन आएगा। अभी रुकना मेरे भाई, खत्म किधर हुआ अभी? तो बी बी करेगा, बी गलत है। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, मतलब आधा मूव कर ले तो पूरा देखो स्टोरी, तब अपना दिमाग लगाओ अरे हाँ ऐसा है क्या, नहीं तो आप ना आधा अधूरा नॉलेज लेके बैठ जाते हैं और अपना हो जाएगा पोपट। अभी बताओ सबसे ज्यादा सर, सी आएगा, अलाइल आएगा, सी। हाँ वही बोल रहा था, पूरा पहले ऑप्शन ध्यान से देखो, ये करेक्ट है। यस यस सर, यस यस। नहीं तो बहुत बार कैसा होता है बच्चे लोग का आंसर आते रहता है और लोग घाई घाई में ए का बी कर देते हैं और हो जाता है वहां पे -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को साइड में करिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड आपको बनाना है तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज में आता है, तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अच्छा देखो, वैसे ये रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसके अंदर एक रिएजेंट का रोल आ रहा है, कोई मुझे नाम बता सकता है कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे? लुकास रिएजेंट। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब लुकास रिएजेंट का जो रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है वो सबसे फास्ट किससे रिएक्ट करता है? 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बराबर है? यस। अब 1 डिग्री से रिएक्शन करने के लिए उसको 15-20 मिनट लग जाता है, मोर देन 15-20 मिनट, यस ठीक है, ओके। और इसके साथ में अपने को क्या ऐड करना पड़ता है? प्राइमरी अल्कोहल के साथ में अपने को कैटलिस्ट भी लगाना पड़ता है, दैट इज एनहाइड्रस, हीट भी देना पड़ता है, हीट भी देना पड़ता है, और हीट भी रहता है। प्राइमरी अल्कोहल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें उसने HCl तो दे दिया लेकिन एनहाइड्रस NCl2 नहीं यूज किया है और उसने हीट भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जाएगा ही नहीं, नो कोई चांस ही नहीं इधर से, समझ में आ रहा है? यस, तो निकल गया। अभी देखो उसके ऊपर वाले में उसने कैटलिस्ट दिया है तो मतलब ये चला जाएगा, यस यस। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला तो टर्शियरी अल्कोहल है तो वो तो आग बंद करके चला जाएगा, यस। और चौथा वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके अंदर भी लुइस आपका ये लुकास एजेंट दिया है तो ये भी चला जाएगा, तो मतलब पहला जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बात समझ में आ रही है सभी को? यस यस सर। हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, नो सी द क्वेश्चन नंबर 16। डार्जन प्रोसीजर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। द रिएक्टेंट फॉर डार्जन प्रोसीजर्स आर, अच्छा डार्जन प्रोसीजर याद आ रहा आप लोगों को क्या था? यस सर, डी आएगा, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिडिन होता है। हाँ, बहुत ब्यूरिल क्लोराइड, डी 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 आएगा, डी। फैंटास्टिक। अब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग अल्काइल हैलाइड, मालूम है ना? यस। व्हाई? SO2 और HCl इवेपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में रहते हैं ना, हाँ गैसियस फॉर्म, और RLHX प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता है नीचे, और हाँ और बाकी जो है वो गैस बन के निकल जाता है, तो फिल्टर करने का जरूरत नहीं पड़ता। यस सर, पिरिडिन यहाँ पर HCl को ये
HCl और pyridine रिएक्ट होकर न्यूट्रल बना देता है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर पीरिडीन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो देखो पीरिडीन जो है HCl आपका एसिडिक मीडियम है, और पीरिडीन जो है ये बेसिक होता है, ये पीरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग पीरिडीन यूज करते हैं, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। मैच द फॉलोइंग, पहला वाला वही है आपका डार्जन है, तो OH की जगह पे अगर हम लोगों ने Cl को चिपका दिया तो D वाला आएगा, D D D मतलब सीधा D पे जाऊं मैं? नहीं, ए फर्स्ट वाले का D। अच्छा, और उसके बाद सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि उसी में एक ही में दिया और जगह उसने कंफ्यूज किया। यस। कभी-कभी ऐसे सेकंड वाला रिएक्शन बताओ ना कैसे जाएगा आगे। ऑप्शन वाला सेकंड वाला सेकंड वाला SO2Cl2 है ना वो वाला। यस, वही बता रहा हूं। रिएक्टेंट यहां पे क्या आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी यहाँ पे जो उसने यूज किया है प्लस एस डबल बॉन्ड ओ ClCl, और क्या उसने 400 समथिंग लिया है। अच्छा, तो यहाँ से सबसे पहले उसका CH बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 वैसे ही जाएगा जैसे ऊपर वाले का जाता है। तो यहाँ से H और ये निकल जाएगा, यही वाला H क्यों जा रहा है, बिकॉज ये कार्बन जो है ना ये आपका अलाइली कार्बन है, तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता है, तो उसका हाइड्रोजन जो है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा HCl बन के और अपने को ये प्रोडक्ट दे देगा एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CL बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट करेगा और ये भाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और यहाँ से आपका Cl- निकलेगा और वो Cl- जो है ना अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH2 बॉन्ड। अरे स्टेप नहीं समझा, ये रीअरेंजमेंट स्टेप है। रीअरेंजमेंट का मतलब कि सब कुछ वैसा ही, ये एटम्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो Cl- यहाँ से निकल रहा है, देखो अभी ये जो लास्ट वाला है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रीच है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेला और ये भाई टूट के इसके पास गया और ये Cl- इधर से निकलेगा और ये Cl- जो निकलेगा ना सीधा कार्बन नंबर 1 के पास आएगा। इसको मैं नंबर ही कर देता हूँ 1 2 3 4, 1 ये हो गया, 2 ये, 3। जो Cl- निकल रहा है ना वो कार्बन नंबर 1 के पास जा रहा है और 1 और 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड था अभी वो 2 और 3 के बीच में आ चुका है, तो अपने को ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, बराबर यही दिया ना उसने प्रोडक्ट में। यस सर, समझा। तो ये रीअरेंजमेंट है, तो धीरे धीरे समझेंगे, टेंशन नहीं है, जिसको नहीं समझा रहेगा तो। अच्छा, ये एक्चुअली ना ये कोई मेरे को इसको बोलते हैं SNI, क्या बोलते हैं SNI, दिस इज द इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने SN1 SN2 बता दिया था, SNI मतलब ये जो Cl- है ना, क्योंकि ये Cl- क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना। yes. तो अभी क्या होता है, ये जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन है वो अंदर शिफ्ट होके इधर आ गया, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो जो कार्बन नंबर 1 है उसको कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसका इलेक्ट्रॉन बगल वाले के कार्बन के बीच में चला गया, तो अभी यहाँ से Cl- निकलता है, तो ये Cl- एज अ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इधर बाहर से नहीं आया, वो मॉलिक्यूल के अंदर से ही आया, इसके लिए इसको इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यस, तो डार्जन प्रोसीजर में भी SNI रिएक्शन होता है ना। हाँ, डार्जन प्रोसीजर के अंदर भी SNI होता है, उसके अंदर दो केस है, वो एक पीरिडीन के साथ में, एक पीरिडीन के एब्सेंस में, ठीक है। yes. तो वो
आपका एसएनआई की केस में आता है। अच्छा क्योंकि जो सिलेबस का मैं वही बताऊंगा, सिलेबस के बारे वाला हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सर सी आएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। हाँ बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। सी आएगा, सी। यस, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे देख के समझ में आ जाता है, ओरल है, उसको करने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो सर, एजीएफ रिएजेंट स्वार्ड्स रिएक्शन है, एजीएफ स्वार्ड्स रिएक्शन सर, एजी2एफ2 सर। अरे मेरे भाई सुनो ना, इतना घाई क्यों कर रहे हो तुम लोग, वो अल्काइल हैलाइड के लिए जाता है ना, किसके लिए जाता है, अल्काइल हैलाइड के लिए जाता है। अभी अल्काइल हैलाइड थोड़ू नहीं, इधर वन ब्यूटीन है, ब्यूट वन ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब ये वन ब्यूटीन के आई कन्वर्ट कर रहे हैं अपन किसमें, वन फ्लोरो, मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। यस सर, एडिशन, वन फ्लोरो ब्यूटेन के अंदर आप कन्वर्जन कर रहे, तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन पहली बात तो है नहीं, नो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है इसके साथ में, और अपने को मोर नंबर वाले के पास एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, बी आएगा। हाँ फैंटास्टिक, यस। नहीं नहीं एक मिनट रुको, बट इसमें जो है बाद में इसने एजीएफ भी यूज किया है, एजीएफ उसने बाद में यूज किया है, पहले एचबीआर ऐड करके फिर उसने एजीएफ यूज किया है। अगर आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे ना, क्योंकि देखो पहला वाला और दूसरे वाले में कैसा है, इसमें दो स्टेप है। नाउ यू विल ऐड हियर एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ Na2O2। हम लोग है ना डायरेक्टली एचएफ यूज नहीं करते, क्यों मालूम है क्या, अदरवाइज अगर हम लोग HF डायरेक्टली यूज करते हैं ना, तो अपन वो वाला रिएक्शन जो है HCl मैंने बताया था, HBr भी मैंने बताया है, और मैंने HI भी बताया है, आप डायरेक्टली HF का रिएक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो बड़ा ये करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तो डायरेक्टली आप HF को यूज नहीं कर सकते हो, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन बी को पिकअप नहीं करेंगे, आप पहले Br को लगाएंगे उसकी जगह पे, पहले जब आप Br लगाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2 Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अभी आप ना इधर पे फिंकलस्टीन यूज कर लेंगे, अब AGF यूज करो इसके पास, तो अभी फिंकलस्टीन करके Br को हटा के F आ जाएगा सर, इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा ना सर, स्वार्ट्ज रिएक्शन आएगा, सॉरी 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 स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड स्टेप स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 नॉट विद बी, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, धीरे धीरे अपन समझेंगे, अदरवाइज कैसा होता, हमको लगता है यार HF काम कर जाएगा, हाँ काम कर जाएगा अपने हिसाब से, बट मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 डी ऑप्शन आएगा, स्वार्ट्ज है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, दिस इज ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट कंप्लीट पैक। अच्छा अल्काइल फ्लोराइड आप इससे नहीं बना सकते हो, सैडमियर से, कल बताया था मैंने वो कौन सा रिएक्शन है जो आपका एनिलीन से यूज में आता है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, सैडमियर क्या कर रहा है, CO2 Cl2 और उसका नाम क्या है, बराबर है, सैंडमियर नहीं आएगा, आई एम जस्ट आस्किंग उसका उस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल सीमेंस, हां सीमेंस, यस, बहुत बढ़िया बढ़िया फैंटास्टिक। चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसको जरा हटाएंगे, 22 पे आ जाइए, सी क्वेश्चन नंबर 22, just let me scroll down, uh,
आपके पास दिया गया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अब ध्यान से देखिए ये आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर आपने ऐसा क्या ऐड कर दिया कि आपको मिल गया एनसी, एनसी का मतलब होता है आइसोसाइन, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे एजी एजीसीएन जाएगा yes. और अल्कोहलिक केसीएन यूज करोगे, अल्कोहलिक केसीएन सीएल को हटा के सीएन आ जाएगा, तो आप लोगों के हिसाब से राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए भाई, जल्दी बोलो, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। डी क्या भाई, डी डी यस और नो, हाँ यस। अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 23, जेई मेंस में 2017 में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्ट सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो है एक तरह का बहुत ही तगड़ा बेस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओ एन ए, इसका नाम है सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अब ये जो है किस काम में आता है, ये भाई एलिमिनेशन कराने के काम में आता है, एलिमिनेशन के काम में आएगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ई टू रिएक्शन होगा। हाँ अभी जरा मैं पहले पढ़ लूँ, आपने इसका ट्रीटमेंट किया फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब जब आप मान लो एक्स है, एक्स के अंदर आपने ये ऐड कर दिया सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, फिर आप उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, आपको कुछ तो मिल रहा है, आपको मिल रहा है वाई मान लीजिए, और वाई के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, तो जब आप ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो फेल हो रहा है, फेल टू डिकलराइज द कलर ऑफ, मतलब ब्रोमीन वाटर का अपना कलर एज इट इज है, मतलब उसका जो येलोविश ऑरेंज कलर होता है, आप लोग अभी तक लैब में गए नहीं हो तो आप लोग को पता नहीं रहेगा, ब्रोमीन वाटर का अपने कलर होता है येलो और ऑरेंज का जैसा दिखता है कुछ, तो अगर आप किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ऐड करोगे ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मान लीजिए जैसे एल्कीन और एल्काइन है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो उसका जो कलर है ना ब्रोमीन का वो गायब हो जाएगा, ब्रोमीन का कलर, क्योंकि ब्रोमीन यूटिलाइज हो गया ना, अगर आपने अभी तो मैंने बताया तुम लोगों को साइक्लोहेक्सीन का एग्जांपल दिया था ना, अब जब साइक्लोहेक्सीन के अंदर आप ऐड करोगे ब्रोमीन वाटर तो वो एक बीआर को आमने सामने चिपका देगा, एक बीआर ऊपर लगा देगा और एक बीआर नीचे आ जाएगा, तो बोलने का मतलब ब्रोमीन है वो एडिशन रिएक्शन में चला गया है, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो कलर था ना ब्रोमीन का येलो और ऑरेंज जैसा, तो ये क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, तो जब कभी भी ब्रोमीन का कलर कलरलेस कन्वर्जन हो जाता है, व्हेन इट गेट्स डीकलराइज्ड, इट मींस द कंपाउंड इन विच ब्रोमीन गॉट एडेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्या बोल रहा है भाई, डीकलरेशन नहीं हो रहा है, तो डीकलरेशन नहीं होने का मतलब क्या नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है, फैंटास्टिक, मतलब वाई जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, That is a saturated compound. अब हम लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। देखो अगर पहला ऑप्शन को पिकअप किया, अब पहले वाले ऑप्शन के अंदर जब मैं ऐड करूँगा सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, तो सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड का काम अपने को मालूम है भाई, एलिमिनेशन करना है, क्या करना है एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन करने के लिए आपके पास जो है कौन सा कार्बन होना चाहिए भाई, एलिमिनेशन करने के लिए आपके पास कौन सा कार्बन होना चाहिए, यू शुड हैव अ बीटा कार्बन, क्या होना चाहिए बीटा कार्बन, अभी बीटा कार्बन, ये जो बीआर लगा है ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा के बाद तो बीटा इधर है ही नहीं भाई, तो इधर सवाल ही नहीं उठता है, अब सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाओ, ये अल्फा है और ये बीटा है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो ये तीनों जो बीटा वाले हैं ये सबका अपना अपना प्रोडक्ट आएगा, तो मैं बी वाले का प्रोडक्ट लेफ्ट में लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कार्बन बेंजीन हो गया ये आपका, तो
दिस, तो ये अनसैचुरेटेड है? यस यस, ये भाई ब्रोमीन वाटर को खा जाएगा, तो ब्रोमीन वाटर को खा जाएगा तो उसका कलर जो है गायब हो जाएगा। अब सी पे आ जाओ, तो जब सी की बात करोगे तो सी में डबल बॉन्ड जो है बाहर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डी में आ जाओ तो डी का भी कुछ ऐसा ही है, साइक्लोहेक्सेन रहेगा और ये डबल बॉन्ड भी रहेगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी सी डी है ना, ये तीनों के तीनों ब्रोमीन वाटर को खा जाएंगे, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या कर देंगे, डीकलराइज़ कर देंगे, बट वो बोल रहा है भाई फेल्स टू डीकलराइज़, तो फेल्स टू डीकलराइज़ का मतलब वो भाई सैचुरेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सैचुरेटेड ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो अल्फा कार्बन अवेलेबल, तो वो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो एलिमिनेशन नहीं कर सकता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन होगा तो अपने को कुछ प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा कुछ। यहाँ से बेर माइनस निकल और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज एंड दैट कंबाइंस विद दिस, ऐसा कुछ अपने को मिल जाता है परऑक्साइड जैसा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ब्रोमीन ऐड करो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है ही नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए है। यस एवरीवन गॉट इट क्लियर? यस यस यस। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रोडक्ट ऑफ द, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एलिमिनेशन जो होता है ना, इसका एक कंडीशन है, एलिमिनेशन जो होता है वो हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। एलिमिनेशन अभी का जो मीनिंग है वो मैंने वर्ड तो बोल दिया, एंटी पेरिप्लेनर, एंटी मतलब अपोजिट, पेरिप्लेनर मतलब कैसा है कि आपके पास ऐसा एक कंपाउंड दिया है, मान ले यहाँ से बी आर है, यहाँ पे कोई है मिथाइल है, तो देखो अभी क्या होगा ना, ये बी आर निकल रहा है और ये आएगा इंट मारेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है और जो बी आर है वो 180 डिग्री पे है, तभी आसानी से कोई बंदा आ सकता है और निकल सकता है। जब एक ही दरवाजे से जब दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये इधर से आ रहा है ये इधर से आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ये ऐसे जा रहा है और ये पीछे वाला उसके, सर पीछे रिपीट करो, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए जब भी आप एलिमिनेशन करते, मतलब वो 180 डिग्री पे होना चाहिए, एक एटम आगे होगा एक एटम पीछे होगा, दोनों एटम आगे दोनों एटम पीछे नहीं चलता है, इतना दिमाग में रखना। व्हेनेवर यू डू एलिमिनेशन, जैसे कि इधर देखो ये है आपके पास साइक्लोहेक्सेन, और मैंने क्या किया यहाँ पे लगा दिया बार, डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, इट इज अ बैक साइड, ठीक है। अभी ये क्या करेगा मालूम है, इसके बगल, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गया, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से उठाएगा, बीटा कार्बन से उठाएगा, अब उसके जो बगल वाला कार्बन है वो बीटा है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो मैं ऊपर वाले के ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन ऐसे निकाल रहा हूँ और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे निकाल रहा हूँ, तो अभी क्या ये बी आर निकल रहा है ना, साथ में ये जो डॉटेड हाइड्रोजन निकलेगा तो वेज पे ये निकले वेज, क्योंकि बी आर पीछे है तो ये आगे है, तो मैं वही मानने का कोशिश कर रहा हूँ, जब कभी भी आप एलिमिनेशन करवाते हो तो देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एन आटम, दोज आर एंटी पेरिप्लेनर, दोज आटम्स व्हिच आर 180 डिग्री, उसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। ये जस्ट दिमाग में वर्ड रखना, इसका जरूरत इधर पड़ा इसके लिए मैंने बताया, ठीक है। अब इधर देखो, आपने यूज किया है सोडियम मेथॉक्साइड NaOMe, इसके पहले हम लोगों ने यूज किया था सोडियम टर्ट बुटॉक्साइड, ये आ गया सोडियम मेथॉक्साइड, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अब जब आप इसका एलिमिनेशन करोगे, जस्ट लेट मी स्क्रोल अप, you have a cyclohexane, अब ये cyclohexane में हमारे पास दो मिथाइल दिया है और वेज के ऊपर क्या दिया है, Br दिया है, अब वो कार्बन क्या है आपका, that is a अल्फा कार्बन, that is a अल्फा कार्बन, ठीक है। तो
तो ये आपका अल्फा कार्बन है, तो इधर एक बीटा है और ऊपर एक बीटा है, तो किस बीटा के पास हाइड्रोजन है वो अपने को देखना है। वी हैव टू जस्ट चेक इट विच बी इज हैविंग अ। तो अभी देखो जो नीचे इसी के पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है ना ऐसा रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, ये यहाँ पे हर जगह पे ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है इसके लिए मैं इसको बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको ऐसे लिखता ही नहीं, मैं इसको सीधा ऐसा लिखता था। तो हम लोग ऐसी से काम चला रहे थे ना, बिकॉज इसका जरूरत पड़ ही नहीं रहा था वेज एंड डॉट का। इसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अभी देखो ये बी आर यहाँ से निकलेगा और जो हाइड्रोजन पीछे वाला है वो उसके लाइन में एंट्री मारेगा, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और अपने को प्रोडक्ट क्या देगा, ये हमको मिलेगा ये एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट जो कि अपने को ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सी और डी क्या दे रहा वो भी जरा देख लूँ मैं। सी और डी में तो एलिमिनेशन सर नहीं समझ तो डी में एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा है, सी में हो रहा है। देखो अब सबसे पहले आपको इधर ये समझ कि जो जो एरो के ऊपर कंडीशन दिया वो कौन सा कंडीशन है, वो है सोडियम मेथॉक्साइड। और सोडियम मेथॉक्साइड ये बहुत तगड़ा बेस है, जैसे सोडियम बिटॉक्साइड था, सोडियम मेथॉक्साइड तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बच्चों में ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंडीशन कौन सा फेवरेबल हो गया इधर पे, एलिमिनेशन का कंडीशन फेवरेबल है। अब एलिमिनेशन आप कौन से कार्बन से हो, बीट कार्बन से, हाइड्रोजन को अंदर की तरफ वहां से भी हाइड्रोजन को निकाल देते हो। तो अगर आप एग्जाम्पल को देखते हो ये वाला, तो इसमें अल्फा कार्बन दिया है जिसको बी आर लगाया है और ऊपर वाला बीटा है और नीचे भी बीटा है। अब जो नीचे वाला बीटा है उसके पास ही हाइड्रोजन है, ऊपर वाले बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये जो नीचे वाला बीटा है उसका हाइड्रोजन जो है एंट्री मारेगा अंदर की तरफ, उसका इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ एंट्री मारेगा और यहाँ से बी आर निकल जाएगा और दोनों जगह डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। बात समझ में आई? यस सर। सर एंटी पेरिप्लस पर बताना। हाँ देखो आपको ये कैसे समझेगा, एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसे समझेगा बताओ। हाउ यू विल कम टू नो दिस सब्स्टिट्यूशन, देखो आपको एरो के ऊपर का जो कंडीशन है ना वो बताता है कि रिएक्शन भाई कौन सा फॉलो होने वाला है। मैंने आपको बताया है एसिडिक कंडीशन रहेगा तो वो प्रोटोनेशन करके कार्बोकेटायन बना के वहां से निकाल देता है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो बेस का कंडीशन है। अब मुद्दे की बात ये कि बेस तगड़ा बेस है कि वीक बेस है, क्योंकि अगर स्ट्रांग बेस रहेगा ना तो ही एलिमिनेशन है, वीक बेस रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है क्योंकि वो एज ए न्यूक्लियर का काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिया है सोडियम मेथॉक्साइड, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस, तो इतना बच्चे को क्लियर हो गया हाँ ये बेस है तो ये एलिमिनेशन करने वाला है। अब बच्चा बोलेगा एलिमिनेशन होता है बीटा कार्बन से, तो बीटा कार्बन के पास ऊपर वाले बीटा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो जो नीचे वाला बीटा कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन वो निकालेगा और उसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करके बी आर को बाहर ढकेल देगा। तो कार्बन जो अल्फा है और बीटा है दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो जो कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कभी होता है वो बताना एक बार फिर से। देखो कंडीशन जितना स्ट्रांग होता जाएगा ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो एलिमिनेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल डज सब्स्टिट्यूशन and base does elimination
ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो बेस का ही हिस्सा रहता है, जैसे OH माइनस है ना, ये OH माइनस किधर से आता है, NaOH से आता है। NaOH बच्चा बोलेगा सर NaOH तो बेस है ना, हाँ सही बोल रहा है बच्चा, बेस ही है वो, लेकिन वो एकदम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ना तो बेस का काम करेगा, उसमें पानी मिला दोगे ना तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो जब आप SN1 और SN2 पढ़ते हो ना तो जरा उसमें टेक्स्ट बुक में देखना एरो के ऊपर वो लोगों ने क्या लिखा है, डाइल्यूट NaOH लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा है, ठीक है। Yes. सब लोग टेक्स्ट बुक को जरा एक बार गो थ्रू करेंगे या नोट्स को भी गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।